हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें लड्डू खाना पसंद है? और 26 जनवरी 15 अगस्त को सिर्फ लड्डू खाने के लिए हम अपने स्कूल जाया करते थे, पर अब उम्र बढ़ने के साथ साथ मीठा खाना हमारे लिए हानिकारक हो गया है। तो बिना मीठे का इस्तेमाल किए या कम मीठे का इस्तेमाल किए हम कैसे ये लड्डू बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी तरीके से, और इसमें किसी भी तरह के बेसन या ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सबसे खास बात है ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। बनाना भी इसे बहुत आसान है, बनाने का तरीका बहुत अलग है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है गाजर। गाजर तो आप जानते ही कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसको हमने क्रश कर लिया है। एक पैन में लेंगे हम थोड़ा सा घी और उसमें डाल के इसको हम भून लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम गाजर का हलवा बना के उसका लड्डू बनाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। गाजर को हमने भून लिया है 3 से 4 मिनट तक। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हम पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो चुका है हमारा ये भुना हुआ गाजर। इसको हमने एक मिक्सिंग बाउल में ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी और उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी। चीनी अगर आप कम खाना चाहते हैं मीठा तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, आधा कटोरी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डार्क सा हमें इसका घोल बनाना है। इतना पानी डालना है कि सूजी हमारी फूल जाए अच्छे से और एक बहुत ही गाढ़ा सा घोल हमारा तैयार हो जाए। तो इसको हम पानी डाल के रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी सूजी अच्छे से पानी पी ले और फूल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी सूजी बहुत अच्छे से पानी पी चुकी है, पूरी फूल गई है, बढ़िया गाढ़ा सा घोल तैयार हो गया है। अब लेते हैं हम एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे देसी घी। इस रेसिपी को अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो यकीन मानिए ये किसी भी बाज़ार की महंगी मिठाई से कम नहीं होगी। अब एक चम्मच के सहारे से हम एक एक चम्मच पकौड़े जैसा इस घी में डालते जाएंगे। इसमें शेप का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरह के शेप के बना सकते हैं, क्योंकि आगे चल के अभी हमें इसमें कुछ प्रोसेस करना है। तो सारे घोल को हम एक एक चम्मच की मदद से जितना कढ़ाई में आसानी से अटेगा हम डाल देंगे। आपको रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि रेसिपी कहाँ से कौन देख रहा है। तो पकौड़े हमारे जब एक साइड से पक जाएंगे तो इसको हम पलट देंगे और उलट पलट के इनको हम पका लेंगे। क्योंकि इसमें गाजर का कलर है तो ये बहुत ही गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी नहीं दिखेगा, पर हाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पकौड़े पक चुके हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको एक बैच को रेडी करने में, और उसके बाद से हम इन सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे। तो हमारे पकौड़े अच्छे से पक चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। अगर आप चाहें तो इनको गाजर के मीठे पकौड़ों की तरह खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। क्योंकि ये घी में बने हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार भी है। लेकिन हम इसके आगे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं लड्डू। तो इन सारे पकौड़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। ये पकौड़े पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए। तो हमारे पकौड़े पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और उसके बाद हमें इन्हें पीस लेना है। तो देखिए पकौड़ों को हमने तोड़ के पीस लिया है और उसमें हम ऐड कर रहे हैं काजू। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे ये लड्डू बन करके रेडी हो जा रहे हैं, और देखने में कोई भी नहीं कह सकता कि ये मोतीचूर के लड्डू नहीं है या फिर ये स्वादिष्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बनाना भी इनको बहुत आसान है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेके मैं आती रहती हूँ।
गाजर की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने खाई होंगी, हलवा खाया होगा, चीला खाया होगा, पराठे खाए होंगे, बर्फ़ी खाई होगी, गाजर रोल खाया होगा, गाजर का स्टफ़ खाया होगा आपने, बट आपने आज तक गाजर का लड्डू नहीं खाया होगा, मेरी गारंटी है। तो आप देख सकते हैं हमने गाजर के स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब तो मैं इसको देखने में वेट नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ इसको खाने। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लड्डू कैसे बनते हैं। थैंक यू सो मच।